अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है भिंडी, मसाला भिंडी। बहुत मज़े की बनती है, सबकी ही फेवरेट होती है तकरीबन। तो इसके लिए हमने सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन में ऑयल लिया मैंने, उसमें हम दो बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर रही हूँ मैं। उनको लाइट ब्राउन गोल्डन सा कलर देंगे। इसका लाइट सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं भिंडी ऐड करूँगी। 3 पाव हमारे पास भिंडी है, 750 ग्राम। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। मैंने ओकरा को अच्छे से फ्राई कर लिया है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है। और अब हम इसको पॉट से निकाल लेते हैं और एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें इनमें फ्राई कर सकें। पॉट में मैंने पहले फिर से ऑयल लिया है, 3 से 4 खाने के चम्मच। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा है 1 चुटकी और अजवाइन है 1 चुटकी। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल में, थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो साबुत बारीक बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन के फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया है टमाटो पेस्ट। 4 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, उनको मैंने ब्लेंड करके इनका पेस्ट बनाया है। तो आप चाहें तो साबुत यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मज़े के बनते हैं जिनको टमाटर के छिलके वगैरह नहीं पसंद होते, तो वो इस तरह पेस्ट बना के ऐड कर लें। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। मसालों में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है और धनिया पाउडर मेरे पास 1/2 टेबल स्पून यानी 1/3 कर लिया। और ये 1/2 टेबल स्पून से 1/4 टेबल स्पून ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर। अब इस मसालों को हम ऐड करेंगे अपने टमाटो पेस्ट में जो हम भून रहे हैं। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें एंड तक ताकि आपको रेसिपी कंप्लीट समझ आ सके। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वॉइस ओवर वीडियोज अच्छी लगती हैं कि वॉइस के बगैर। तो हम अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जो हम दही ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। मैंने लिए 1/2 कप दही, इसमें मैंने बलाई ऐड की है दूध की 1 टेबल स्पून। अब अगर नहीं चाहते तो आप सिर्फ दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं ऐड करूँगी जब टमाटो पेस्ट अच्छी तरह भून चुके होंगे। ये देखिए हमारे टमाटो पेस्ट से ऑयल सेपरेट हो चुका है, अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें योगर्ट ऐड करूँगी मलाई के साथ, 1/2 कप है। अच्छे से हम भून के मसाला रेडी करेंगे, फिर हम अपनी भिंडी और प्याज को ऐड करेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 ग्रीन चिलीज, बड़ी कटी हुई है मेरे पास, इसको मैं ऐड करूँगी। अच्छे से भून लें मसाला, जितना अच्छा भुना होगा मसाला उतना ही टेस्ट अच्छा आता है खाने का। इसलिए कोशिश किया करें पानी लगा के थोड़ा थोड़ा तो आप अच्छे से मसाले को भून लिया करें। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, इतना अच्छा कलर आया और इसका ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज और ओकरा भिंडी को जो हमने फ्राई किए हुए थे,
इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनको दम दे दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छे से इनके साथ लग जाए और टेस्ट अच्छा आ जाए। मैं इसको 3-4 मिनट के लिए दम दे दूंगी। मैंने इसको दम दे चुकी हूँ और आफ्टर 3 मिनट्स हम इसको सर्व करके दिखाएंगे कैसी लगती है हमारी मसाला भिंडी रेस्टोरेंट स्टाइल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। ये दम से मैंने निकाल दी थी तो बहुत मज़े की बनी है, शक्ल से ही बहुत अच्छी लग रही है। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।